लॉकडाउन की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नीचा चावड़ा और मैं आपकी बायोलॉजी की टीचर हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। इससे प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 8 स्टार्ट किया था, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज, ठीक है, जिसमें हमने हेल्थ के बारे में डिस्कस किया था, डिसीज के बारे में डिस्कस किया था, हमने ये भी डिस्कस किया था कि पैथोजन क्या होते हैं, होस्ट क्या होते हैं, डिसीज के टाइप्स क्या हैं, इन्फेक्शियस डिसीज और नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज क्या डिफरेंस होता है, जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स भी उसके देखे। तो स्टूडेंट्स, आज हम इन्फेक्शियस डिसीज को डिटेल में स्टडी करेंगे और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बैक्टीरियल डिसीजेस से, ठीक है। तो ऐसी इन्फेक्शियस डिसीजेस जिसको बैक्टीरिया कोज करता है उनको बैक्टीरियल डिसीजेस बोलते हैं, जिसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स को स्टडी भी किया था, लेकिन आज उसमें से हम कुछ एग्जाम्पल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहला उसमें एग्जाम्पल आता है टाइफाइड। साल होने का टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो टाइफाइड कोज करता है और टाइफाइड कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से स्प्रेड होता है। अगर हम प्रदूषित खाना, प्रदूषित पानी पी रहे हैं और उसकी वजह से टाइफाइड फैल जाता है, ठीक है। टाइफाइड का बैक्टीरिया सबसे पहले खाने के जरिए हमारी इंटेस्टाइन में एंटर करता है और उसके बाद ब्लड से हमारे दूसरे ऑर्गन्स को भी इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है। हम देखते हैं कि टाइफाइड के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो टाइफाइड के जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है, कॉन्स्टेंट हाई फीवर होगा, नियर अबाउट 39-40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का। लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट से मतलब है कि भूख नहीं लगना, भूख में कमी हो जाना। उसके बाद वीकनेस होने लगती है, स्टमक पेन होने लगता है, किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज की डिग्री प्रॉब्लम होने लग जाती है, हेडेक होता है। और टाइफाइड का जो बैक्टीरिया होता है ये इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी कर देता है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन का मतलब होता है कि जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर से बॉल जो है, बाउल वाल जो है, वो धीरे धीरे लॉस होने लगती है और जिसकी वजह से सीवियर केसेस में डेथ होने के चांसेस भी हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये टाइफाइड के सिम्टम्स हैं जनरली जो हमें देखने को मिलते हैं। और टाइफाइड की टेस्टिंग करने के लिए जो टाइफाइड को अगर हमें पता लगाना है कि हमें टाइफाइड हुआ है तो विडाल टेस्ट किया जाता है। एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या तो ये पूछ लिया जाएगा कि टाइफाइड कोजिंग ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ, टाइफाइड किसकी वजह से हो रहा है। और टाइफाइड को चेक करने के लिए जो टेस्ट करते हैं उसको विडाल टेस्ट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है निमोनिया। निमोनिया मोस्ट कॉमन डिसीज है, सभी लोग ने पहले सुना भी होगा। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया की वजह से होता है। और इसके भी सिम्टम होते हैं कि फीवर, चिल, फीवर बुखार हो जाता है, ठंड लगती है, खांसी हो जाती है, हेडेक हो जाता है। तो ये सब हमारे निमोनिया के सिम्टम्स हैं। और ये जो निमोनिया नाम की बीमारी है इसमें क्या होता है कि जो हमारे लंग्स के अंदर एल्वियोलीज होते हैं, जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है हमारे लंग्स के अंदर जिसको हम एल्वियोलीज बोलते हैं, उसके अंदर एक फ्लूड फिल हो जाता है जिसकी वजह से हमारी रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि निमोनिया फैलता कैसे है, ये किस तरह से इन्फेक्शियस डिसीज है कि अगर किसी पर्सन को निमोनिया हुआ है तो अगर वो छींकता है या खांसता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो ड्रॉपलेट्स को कोई अगर दूसरा पर्सन इनहेल कर ले रहा है तो उसकी वजह से उसको निमोनिया उसको भी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है निमोनिया के बाद आता है बैक्टीरियल डायसेंट्री। शिगेला डायसेंट्री नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे अंदर डायसेंट्री कोज करता है। और ये आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, लेकिन कुछ डिसीजेज जो इम्पोर्टेंट है और मैं आपको उसको बता रही हूँ कि फर्स्ट आता है बैक्टीरियल डायसेंट्री, शिगेला डायसेंट्री, जिसकी वजह से क्या होता है एब्डोमिनल पेन होती है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है। और कभी कभी स्टूल के साथ जब हम वॉशरूम जाते हैं तो फीकल मैटर के साथ क्या होता है कि ब्लड भी आने लग जाता है। ये बैक्टीरियल डायसेंट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे आपका लेप्रोसी, कुष्ठ रोग जिसको हम बोलते हैं, टीबी जिससे आप सभी लोग परिचित होंगे, जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। तो ये ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये क्या करते हैं टीबी और लेप्रोसी को कोज करते हैं, ठीक है। डिफ्थीरिया को हम बोलते हैं काली खांसी, कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थीरी एक बैक्टीरिया होता है जो काली खांसी कोज करता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिसीज है जिसको हम बोलते हैं कॉलेरा हैजा, जिससे हम सुनते थे कि पूरे पूरे गांव पहले मतलब इससे तबाह हो जाते थे क्योंकि पहले इसका जो है इलाज नहीं था। तो जो कॉलेरा होता है
हमारा एक बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है कि जब भी हमें इन्फेक्ट करता है तो इसकी वजह से ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिससे हमारे सेल के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वाटर जो होता है हमारी सेल में से बाहर आ जाता है जिससे कि हमें डायरिया हो जाता है। ठीक है, तो विब्रियो कॉलेरा कॉलेरा कोज करता है। और एक बीमारी है जिसको हम बहुत बार सुनते हैं प्लेग नाम का जो बीमारी है उसको यर्सिनिया पेस्टिस नाम का बैक्टीरिया करता है जो रैट के ऊपर जो फ्ली रहती है उसकी वजह से फैलता है। ठीक है, तो ये सब बैक्टीरियल डिजीजेस के एग्जांपल थे जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा टाइफाइड जो सालमोनेला टाइफी की वजह से बोला था, सेकेंड हमने पढ़ा न्यूमोनिया जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से फैल रहा था, नेक्स्ट हमने पढ़ा ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो रहा था, नेक्स्ट लेप्रोसी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से फैल रहा था, नेक्स्ट डिप्थीरिया जो हमारा कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी की वजह से फैल रहा था, डायसेंट्री बैक्टीरियल डायसेंट्री कोज बाय शिगेला डायसेंट्री, उसके बाद कॉलेरा जो विब्रियो कॉलेरा की वजह से फैल रहा था, ये सब बैक्टीरियल डिसीजेज के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है वायरल डिसीजेज। जो कॉमन वायरल डिसीजेज आपके एनसीईआरटी में दी गई हैं सबसे पहली जो वायरल डिसीज दी गई है वो है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड का जो वायरस होता है उसको राइनो वायरस बोलते हैं। और ये जो कॉमन कोल्ड होता है जो इसका राइनो वायरस है ये क्या करता है कि हमारे जो नाक के अंदर की एपिथीलियम होती है नेजल एपिथीलियम उसको इन्फेक्ट करता है और जो हमारा रेस्पिरेटरी वैसे सांस लेने वाला जो रास्ता है उसे क्या करता है इन्फेक्ट करता है, लेकिन हमारे लंग्स में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं करता। आप देखते हो गए जब आपको जुकाम होता है तो आपको ऐसा लगता है कि सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, ऐसा लगता है कि रास्ता ब्लॉक हो गया है नाक बंद हो गया है, तो ये नेसल जो एपिथीलियम होती है उस पर इन्फेक्ट करता है रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करता है, इसीलिए हमें इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ठीक है, लगभग 3 से 7 दिन तक ये रहता है, उसके बाद हमारा ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। और इसकी वजह से हमें बुखार हो सकता है, खांसी हो सकती है, सिर में दर्द भी हो सकता है, नेजल ब्लॉकेज ऐसा लगेगा कि जैसे कि नाक बंद है, इस तरह के सिम्टम हमें कॉमन कोल्ड के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा डेंगू फीवर। डेंगू फीवर फ्लैबी वायरस की वजह से कोज होता है। फ्लैबी वायरस होता है जो डेंगू नाम की बीमारी करता है, सभी लोग परिचित होंगे डेंगू का नाम बहुत सबने सुना है। और डेंगू फीवर की एक जो सबसे हानि सबसे जो इसका डिमेरिट ये है कि अगर डेंगू फीवर हो जाता है तो हमारी प्लेटलेट्स का नंबर डिक्रीज हो जाता है। और जब प्लेटलेट का नंबर 1.5 लाख से 3.5 लाख 4 लाख के अंदर होना चाहिए, लेकिन अगर वो उस नंबर डिक्रीज हो जाता है तो हमारी डेथ भी हो जाती है। तो डेंगू फीवर में अगर हमारी प्लेटलेट्स का नंबर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है तो हमें बोला जाता है कि आप बहुत सारा मतलब फ्रूट पीजिए, कुछ ड्रिंक लीजिए या आप जूस वगैरह पीजिए जिसकी वजह से प्लेटलेट नंबर जो है वो डिक्रीज ना हो, उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो डेंगू फीवर जो है एक मॉस्किटो होता है एडीज अजिप्टी जिसकी वजह से फैलता है। ठीक है, और एडीज ये चिल्ड्रंस को भी इन्फेक्ट कर सकता है, बच्चों को बूढ़ों को सभी को इन्फेक्ट कर सकता है। और इसका जो इन्फेक्टिंग पीरियड जो है वो 3 से लेकर 12 डेज के बीच में ये क्या कर सकता है इन्फेक्शन कर सकता है। नेक्स्ट आता है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया नाम का जो वायरस है उसको अल्फा वायरस भी बोलते हैं, चिकनगुनिया वायरस की वजह से होता है। और ये भी एडीज अजिप्टी नाम के मॉस्किटो को कट करने से फैलता है। उसका एडीज अजिप्टी नाम का जो मॉस्किटो है वेक्टर है जो उसको फैलाने का काम करता है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि जैसे फीवर होता है, जॉइंट्स पेन होता है, वीकनेस होती है, हेडेक होता है, ये सब सिम्टम्स जो होते हैं चिकनगुनिया वायरस के होते हैं। इसके लिए जिसमें हम आजकल जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन है कोरोना वायरस जो COVID-19 की वजह से होता है। ठीक है, COVID-19 की वजह से होता है। डेंगू फीवर को चेक करने के लिए NS1 एंटीजन टेस्ट किया जाता है। इसी तरह से कोरोना वायरस जो है जो COVID-19 की वजह से फैलता है, और COVID-19 का जो टेस्टिंग है जो कोरोना वायरस की टेस्टिंग है सांस करके टेस्ट करके PCR करके इसका जो टेस्ट होता है उसकी वजह से हम इस बीमारी का पता लगा सकते हैं। तो ये वायरल डिजीजेस थी। ऐसे बहुत सारी और भी वायरल डिजीजेस हैं जैसे हेपेटाइटिस हो गया, एड्स हो गया, पोलियो वायरस हो गया, मम्स हो गया, ये सब वायरस की वजह से करते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में एक 4 या 5 ही दिए गए हैं इसलिए इसको आपको डिटेल में बता दिया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोटोजोन डिजीज़। हमारी प्रोटोजोन डिजीज, इससे पहले हमने बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज को डिटेल में देखा था, अब हम प्रोटोजोन डिजीज को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रोटोजोन डिजीज आती है हमारी मलेरिया, मलेरिया जो प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। तो मलेरियल पैरासाइट का नाम होता है प्लाज्मोडियम, ये एक प्रोटोजोन है जो हमारा मलेरिया नाम की डिजीज करता है।
सकता है। बहुत सारी प्लाज्मोडियम की वेराइटीज होती हैं। प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसमें से आपकी जो सबसे ज़्यादा कॉमन है और जो सबसे ज़्यादा हम कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी भी जाती हैं, चारों स्पीसीज के नाम यहाँ लिखे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले आती है प्लाज्मोडियम वायरस। इंडिया में 60% जो मलेरिया को होता है वो प्लाज्मोडियम वायरस की वजह से होता है। मोस्टली वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एशिया में, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा इसी की वजह से मलेरिया फैलता है, और इसको हम टर्शियन मलेरिया या बिनाइन टर्शियन मलेरिया भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्लाज्मोडियम मलेरी। प्लाज्मोडियम मलेरी जो होता है क्वार्टर मलेरिया करता है, इसमें 4 दिन के बाद फीवर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो ये मलेरिया है इसके मोस्ट कॉमन करेक्टर ये होता है कि इसमें अल्टरनेट डेज में फीवर होता है। किसी में किसी जैसे मंडे को फीवर हुआ, ट्यूजडे में नहीं होगा, फिर वेडनेसडे में होगा, वेडनेसडे में हुआ, थर्सडे में नहीं होगा, उसके बाद हमारा फ्राइडे में फीवर हुआ, तो अल्टरनेट डेज में जो है फीवर होता है। तो ये ऐसे प्लाज्मोडियम मलेरिया में हर किसी में एक दिन छोड़ के हो रहा है, लेकिन प्लाज्मोडियम मलेरिया के अंदर जो क्वार्टर मलेरिया होता है इसमें आपको 3 दिन छोड़ के फीवर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम मोस्ट डेंजरस मलेरिया है, फैटल होता है, लीथल होता है, मतलब मारक होता है अगर इसका इलाज जल्द से नहीं किया जाएगा, और ये हमें मार भी सकता है, इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, जिसको मैलिग्नेंट मलेरिया बोलते हैं। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि मैलिग्नेंट मलेरिया किसकी वजह से होता है, तो मैलिग्नेंट मलेरिया प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम की वजह से होता है। नेक्स्ट आता है प्लाज्मोडियम कोमेल, इसको भी बिनाइन टर्शियन मलेरिया बोलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन ये चारों जो आपके स्पीसीज के नाम लिखे गए हैं इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन खा लेगा कि बिनाइन टर्शियन मलेरिया किसकी वजह से हुआ, व्हाइट मलेरिया किसकी वजह से हो रहा है, मलेरिया मलेरिया किसकी वजह से हो रहा है, ये सब इसकी स्पीसीज जो मलेरिया को उसे करती है। क्या क्या इसके करेक्टर हैं कि प्लाज्मोडियम की वजह से जब मलेरिया हो जाता है तो उसमें हमें बुखार होता है, ठंड लगती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, मसल्स पेन होती है, हेडेक होता है, ये सब वोमिटिंग होती है, किसी किसी को पेन भी होती है, स्टमक एब्डोमिनल पेन भी होती है, तो ये सब इसके सिम्टम्स हैं जो मलेरिया होने पर होते हैं। मलेरिया को हम कैसे रोक सकते हैं, जो उसके वेक्टर है मॉस्किटो जिसकी वजह से फैलता है, अगर हम मॉस्किटो को कंट्रोल कर लेंगे तो हम मलेरिया को भी रोक सकते हैं। एंटी मलेरिया ड्रग का भी यूज़ करके हम मलेरिया को होने से रोक सकते हैं, विनिन हो गया, क्लोरोक्विन हो गया, इसको हम यूज़ करके मलेरिया को रोक सकते हैं। और मलेरिया का जो वेक्टर है वो होती है मॉस्किटो एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो है आपका वो मलेरिया का वेक्टर है, जिसकी वजह से मलेरिया फैलाया जाता है। हर किसी बच्चे के काटने से मलेरिया नहीं होता, जिसके अंदर ये प्लाज्मोडियम रहेगा अगर वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो किसको कट कर रहा है तो उसके कट करने से मलेरिया हो जाता है। और जो मलेरिया का पैरासाइट है ये हमारी लीवर को और आरबीसी को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मलेरियल पैरासाइट हमारी बॉडी में जाके कहाँ पे किसको कौन कौन से ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है, तो लीवर को और आरबीसी दो चीज़ को हमारे लीवर जो मलेरिया है इन्फेक्ट करता है। मलेरिया के मलेरियल पैरासाइट जो है प्लाज्मोडियम के दो होस्ट होते हैं, होस्ट जिसमें वो रहता है, तो ये मलेरिया का जो मलेरिया के पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, इसको अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम कैसे भी किसी और डिजीज के बारे में देखते हैं तो जिसमें दो होस्ट मिलते हैं, एक उसको प्राइमरी होस्ट बोलते हैं, दूसरे होस्ट को सेकेंडरी होस्ट बोलते हैं। प्राइमरी होस्ट मतलब डेफिनेट होस्ट जहाँ पे वो रहता है और जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, और सेकेंडरी होस्ट जहाँ पे वो कुछ टाइम के लिए रहेगा और उसके बाद वहाँ से निकल जाएगा, जहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ऐसे ही प्लाज्मोडियम में भी दो होस्ट पाए जाते हैं, प्राइमरी होस्ट जिसको डेफिनेट होस्ट बोलते हैं, जिसको जो हमारा मॉस्किटो होता है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कम्प्लीट होता है। नेक्स्ट होता है ह्यूमन, जो सेकेंडरी होस्ट की तरह हम उसको बोल सकते हैं क्योंकि वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। तो जैसे मॉस्किटो आता है जिसमें प्लाज्मोडियम है, तो वो क्या करता है, जब हमें कट करता है तो स्पोरोजोइट जो हमारे प्लाज्मोडियम की सबसे इन्फेक्शियस स्टेज है, स्पोरोजोइट जब वो कट करता है तो स्पोरोजोइट को हमारे अंदर डाल देता है। जब स्पोरोजोइट हमारे अंदर डाल देता है तो वो सबसे पहले हमारे लीवर को जाती है, वहाँ पे इन्फेक्शन करती है, उसके बाद वो हमारी आरबीसी में जाती है और मल्टीप्लाई करती है, और आरबीसी को जाके हमारे इन्फेक्ट करती है, और वहाँ पे एक टॉक्सिन रिलीज किया जाता है जिसको बोलते हैं हीमोजोइन। तो जिसकी वजह से एक टॉक्सिन रिलीज किया जाता है हीमोजोइन, जिसकी वजह से हमें फीवर हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जी हमें ठंड लगनी शुरू होती है, तो मलेरिया में ठंड लगती है, ठंड लग के बुखार होता है। तो उसका रीज़न यही है कि जब स्पोरोजोइट हमारी बॉडी में एंटर करता है लीवर में जाने के बाद, जब वो आरबीसी में जाएगा तो वहाँ पे टॉक्सिन रिलीज किया जाता है हीमोजोइन, जिसकी वजह से हमें जी फीवर ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद
बाद गैमेटोसाइट्स बनेंगे, जब कोई मले आएगा मोस्टली तो हमें कट करने के लिए, जब वो कट करेगा हमारे ब्लड को सक करेगा तो हमारे गैमेटोसाइट किस में पहुंच जाएंगे, मॉस्किटो में पहुंच जाएंगे, और वहां पर जाके वो दो मेल और फीमेल गैमेटोसाइट है वो आपस में फ्यूज होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, स्पोरोजोइट बनाएंगे, और वो फिर स्पोरोजोइट कहाँ आ जाएंगे, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में आ जाएंगे, जब मॉस्किटो किसी और को कट करेगा स्पोरोजोइट दोबारा से किसी और के अंदर एंटर करा देगा। तो इस तरह से प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल चलती है जहाँ पे दो होस्ट होते हैं मॉस्किटो और ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इस तरह से एक और डिजीज है प्रोटोजोन की जो बहुत फेमस है, अमीबोइसिस एंड अमीबा हिस्टोलिटिका नाम का एक प्रोटोजोन होता है जो हमारे अंदर अमीबोइसिस नाम की डिजीज करता है, जिसमें इंटेस्टाइन हमारे पेट जो हमारे पेट को हमारे इंटेस्टाइन जो हमारे इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे हम एक और डिजीज है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, जो ट्रिपैनोसोमा होता है वो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस नाम की एक बीमारी करता है। अफ्रीका में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है बीमारी एक लीशमानिया काला आजार नाम की बीमारी करता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रोटोजोन्स हैं जो हमारे अंदर जो है जो हमारे अंदर डेंजरस डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपैनोसोमा, काला आजार, लीशमानिया, अमीबोइसिस एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, मलेरिया, प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस करता है, ये सब हमारी अभी प्रोटोजोन।